हम आपको ले चलते हैं ब्रज 84 कोर्स के अद्भुत दिव्य दर्शन के लिए। टीवी 10 न्यूज के संवाददाता मनीष अग्रवाल आप सभी को इस अद्भुत यात्रा के दर्शन कराते रहेंगे, जिससे आपको घर बैठे सभी मंदिरों के दर्शन हो सके। आप सभी जानते ही हैं कि चारों धाम की यात्रा करने का अद्भुत फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार यह यात्रा कर ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चार धाम की यात्रा के दिव्य दर्शन के अंतर्गत पूर्व में हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से आदि बद्री के दर्शन कराए थे, जो कि एक अलौकिक दर्शन थे। अब हम आपको लेकर चलते हैं शिव के उस अद्भुत रहस्यमयी केदारनाथ मंदिर पर, जहां पर मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को ब्रज में ही चारों धामों के दर्शन कराए थे, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। 14 कोस में यह उत्तराखंड के सारे दिव्य तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जिनमें से एक केदारनाथ धाम है। कहते हैं जो व्यक्ति उत्तराखंड के चारों धामों में नहीं जा पाता, वह यदि ब्रज में स्थित चारों धामों के दर्शन कर ले तो उसके वही फल प्राप्त होता है जो कि देवभूमि के चार धाम के दर्शन से प्राप्त होता है। इस वक्त हम राजस्थान के केदारनाथ मंदिर पर आए हैं और चढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 400 सीढ़ियां हैं और आज 1 जनवरी 2024 भी है। काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ दर्शन करने आए हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। सब भोले बाबा के जयकारे लगा रहे हैं और काफी भीड़ है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, एक बार जरूर आप इस स्थान पर आकर दर्शन करें। जो उत्तराखंड में है चारों धाम, वो चारों धाम अपनी व्रज और डीक के आसपास हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको हर तीर्थ स्थान के दर्शन कराते रहेंगे। काफ़ी ठंड है इस समय, दोपहर के 2 बजे हुए हैं, लेकिन सूर्य भगवान कहीं भी दिख नहीं रहे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोगों में उत्साह है और भोले बाबा के भजन गाते हुए भी चल रहे हैं, जिसमें माता हैं, बहनें हैं, बच्चे भी हैं। कोई कोई तो अपने परिवार के साथ आया है। मैं भी आपसे अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, आप भी ऐसे तीर्थ स्थानों पर आकर दर्शन करें। ब्रज के केदारनाथ धाम हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 400 सीढ़ियां हैं, जिन्हें चढ़कर यात्री भगवान के दर्शन करने ऊपर जाते हैं। एक छोटी सी गुफा में विराजमान भगवान केदारनाथ हैं। इस गुफा में एक बार में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। भगवान केदारनाथ का मंदिर काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं की कितनी संख्या है और यह केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए इतनी ठंड में भी ऊपर चढ़कर आए हैं। यदि आप केदारनाथ के दर्शन कर लेते हैं तो मानो उत्तराखंड के केदारनाथ के दर्शन किए हों। इस संदर्भ में भक्तों से जब हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया, साल है, सोमवार है और आज हम कामा के केदारनाथ में दर्शन करने आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये दर्शन प्राप्त हुए यहाँ के, और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। तो लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ कम से कम हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और हर समय यहाँ इसी तरह से भीड़ लगी रहती है। बहुत मान्यता है केदारनाथ बाबा की। अभी आपने केदारनाथ के दर्शन किए, अब देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर जाकर मंदिर बना हुआ है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु केदारनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं और आज 1 जनवरी भी है
और लोगों में उत्साह भी है भगवान के प्रति। मौसम भी सुहाना है, चढ़ने में सांस जरूर फूली थी लोगों की, लेकिन दर्शन भी अच्छे हुए हैं बाबा की। कहते हैं आज 1 जनवरी है और सोमवार का दिन है, उसमें केदारनाथ का दर्शन हो जाए इससे बड़ा सौभाग्य किसी भी श्रद्धालु का नहीं है। मैं यहीं से विदा लेता हूं और इसी प्रकार आपको व्रत चौरासी को उसके दर्शन कराता रहूंगा। आप देख सकते हो अब भी श्रद्धालु कितने उत्साहित नज़र आ रहे हैं, कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई अपनी फैमिली के साथ आकर अपने फोटो खींच रहा है, देखिए आप। और सभी को राधे राधे, जय श्री बाबा की जय हो, काशी वाले की जय हो, नीलकंठ वाले की जय हो। और अब मैं ही बता लेता हूँ।